अगर पार्टनर आपसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रहा है, छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप करने की बात करता है, आपके फीलिंग्स इमोशंस को समझने की कोशिश ही नहीं करता, तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। ये सिचुएशन रिलेशनशिप में आने के दो रीजंस है। सबसे पहला रीज़न कि उनके लाइफ का कंफर्ट जोन, उसका क्या मतलब होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके गलतियों के वजह से, यानी कि आपने कुछ ऐसी गलती की जिस वजह से आज पार्टनर का मन भर गया है आपसे और पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है। अब हम ये समझते हैं पहला रीजन कि उनके लाइफ के कंफर्ट जोन के वजह से वो क्यों आपसे दूर जाते हैं। अब कंफर्ट जोन का क्या मतलब होता है कि आज उनकी किसी और से बातचीत शुरू हो गई, उन्हें कोई और पसंद आ गया, वो किसी और से अटैच हो गए और उस अटैचमेंट के वजह से वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, वो आपसे छोटी छोटी बातों पे फाइट कर रहे हैं, या फिर वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, वो अपने लाइफ में चेंजेस को चेस कर रहे हैं, यानी कि उन्हें अपने ज़िंदगी के बदलाव बहुत अच्छे लग रहे हैं, नए दोस्त बहुत अच्छे लग रहे हैं, यानी कि उनके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश है और इसी वजह से वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। जी हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है लेकिन आजकल की यही रियलिटी भी है कि लोगों के ज़िंदगी में जब बदलाव आने लगते हैं, नए लोग आने लगते हैं, नए दोस्त आने लगते हैं और जब वो उनके साथ खुश रहते हैं तभी आपको उनकी असलियत पता चलती है, क्या वो उस वक्त भी आपके साथ रहना चाहते हैं या फिर नहीं। क्योंकि अक्सर उसी सिचुएशन में लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी में सब मिल रहा है, खुशी मिल रही है, दोस्तों के साथ खुश है, वो अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, अब वो आपसे बेटर पर्सन चेस कर रहे हैं, ये कंफर्ट जोन उनके लाइफ में होता है और इस वजह से वो आपसे दूर जाते हैं। अब हम कैसे पता करें, क्या सच में वो किसी और से बातचीत करने लग गए, क्या सच में वो हमें धोखा दे रहे हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल है एक रिलेशनशिप का। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऑन एन एवरेज उनके रिलेशनशिप को एक साल का टाइम हो गया था। अब एक साल का वक्त होने के बाद लड़की का बिहेवियर चेंज होने लग गया। देखो, मैं यहाँ पे किसी लड़की या लड़के को गलत नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। अब उस लड़की का बिहेवियर चेंज होने लग गया, वो अपने दोस्तों के साथ खुश रहने लग गई, अपने लाइफ में खुश रहने लग गई, पहले जैसी वो बात नहीं करती। अब वो लड़की पहले जैसी बात नहीं कर रही थी इसलिए लड़का बहुत बेचैन हो रहा था, क्योंकि लड़के को तो एक आदत लग गई थी रोज़ बातें करना, रोज़ प्यार करना, एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बताना, लेकिन लड़की धीरे धीरे इग्नोर करने लग गई। अब उस लड़के ने समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत महीनों तक वो उस लड़की को समझाते रहा, कभी कभी उसने रो कर समझाया, कभी दोस्तों के थ्रू समझाया, लेकिन लड़की उसे बार बार ब्लेम करते रही। ब्लेम क्यों कर रही थी कि यार लाइक मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है, आप तो बिल्कुल लूज़र हो, आप तो बिल्कुल पीछे पड़े रहते हो। फिर लड़के ने खुद को शांत भी किया, अपनी गलतियों को भी ठीक किया, खुद को स्ट्रांग भी बनाया, लेकिन फिर भी लड़की का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा था। लड़की और ज़्यादा इग्नोर पर इग्नोर किए जा रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लड़की अब किसी और को डेट कर रही थी, अब वो लड़की किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी, इसीलिए उस लड़की को उस लड़के के एफर्ट्स कभी समझ में ही नहीं आए। जी हाँ, अगर आपके लाइफ में आपका पार्टनर किसी और के साथ अटैच हो गया तो उस सिचुएशन में आप कितने अच्छे से एफर्ट्स डालते हो, कितने बुरे तरीके से एफर्ट्स डालते हो, ये एफर्ट्स कभी भी आपके पार्टनर को समझ में नहीं आएंगे। हाँ, इफ इन केस अगर उनके लाइफ में कोई और नहीं है और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि वो किसी और को डेट नहीं कर सकते या ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे रिलेशनशिप बचने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर नहीं, वो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा भी कुछ हुआ तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, तीन तीन चार चार दिनों तक बात बंद कर देते हैं और सीधे ब्रेकअप की ही बात करते हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ अगर आप उनसे बात नहीं करोगे तो वो ब्रेकअप भी कर लेंगे, तो फिर ये हो सकता है कि उनके लाइफ में या तो किसी और से उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है या फिर वो सच में आपसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब यहाँ पे हम दूसरे रीज़न के बारे में बात करते हैं कि जहाँ पे आपके गलतियों के वजह से पार्टनर आपसे दूर जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो आपको चीट कर रहे हैं
इसीलिए वो आपसे दूर जा रहे हैं, या फिर उनको कोई और मिल गया इसीलिए वो आपसे दूर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमारे तरफ से भी कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जिन गलतियों के वजह से, जिन मिस्टेक्स के वजह से वो हमसे दूर जाने लगते हैं। कई बार हम उनसे झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कई बार हम उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा उनके ज़िंदगी में खुद को इन्वॉल्व करने लग जाते हैं, कॉल्स करते रहेंगे, मैसेजेस करते रहेंगे, यानी कि हम हमारे साइड से उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है। अक्सर इंसान का स्वभाव, मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर इंसान ये चाहता है कि उन्हें स्पेस मिले, उन्हें सोचने का वक्त मिले, लेकिन अगर आप उन्हें ज़रा भी स्पेस नहीं देते हो, अगर उन्होंने थोड़ा आपको कुछ बोल दिया कि मुझे तो आपके साथ रहना ही नहीं है, मैं तो आपसे बहुत तंग आ गया हूँ, तो हम उन्हें और ज़्यादा तंग करने लगते हैं। ऐसी कुछ गलतियाँ जो हम करते हैं, उस वजह से भी पार्टनर आपसे दूर जाता है। अब इन गलतियों को कैसे ठीक करें? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब इन गलतियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इन गलतियों को ठीक करने के लिए आपको थोड़ा वक्त लेने की ज़रूरत है। कहते हैं कि गलतियाँ एक दिन में होती भी नहीं है, और गलतियाँ ठीक होना एक दिन में पॉसिबल भी नहीं है। गलतियाँ ठीक होने को भी वक्त लगता है। अगर आपके और पार्टनर के बीच में नॉर्मल बातें हो रही है कि लाइक कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो आपको सॉफ्ट कॉन्टैक्ट को फॉलो करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके बीच में छोटी छोटी बातों पर फाइट्स हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उस वक्त सारी बातें डिस्कस करना बंद कर दो। डिस्कस करना, लेकिन कुछ वक्त के बाद, कुछ वक्त तक बस उनके कॉन्टैक्ट में रहो, जिसे हम सॉफ्ट कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। अगर आपने नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में सुना होगा तो आप आज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट के बारे में भी जान लिए। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट में दरअसल क्या होता है ना, कि आप बस उन्हें गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या कर रहे हो, इतनी बातें करते हो, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत नॉर्मल बातें करते हो, चाहे बातें कितनी भी अच्छे से हो, लेकिन आप अपने साइड से बस एक दो सवाल उनसे पूछते हो, इससे ज़्यादा आप कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखते हो। अब जितना कम कॉन्टैक्ट रहेगा, उतने ही कम चांसेस है फाइट होने के, और जितना जितना समय बीतेगा उनको भी आपकी कमी महसूस होगी, क्योंकि उन्हें सोचने का वक्त मिल रहा है। इसीलिए अगर सॉफ्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल है, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट में क्या करना है आपको, धीरे धीरे ये बताना है कि आप भी शांत हो, आप भी अपनी ज़िंदगी में थोड़े रिलैक्स हो, आपका भी ध्यान अपनी ज़िंदगी के ऊपर है, और उन्हें ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करनी है। उनके सामने इतना जाना ही नहीं है कि वो इग्नोर करे। अगर आप 10 बार जाओगे तो 10 बार में से वो 8 बार आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर आप बस 2 ही बार जाओगे कि आपने एक बार मॉर्निंग में मैसेज किया, एक बार नाइट में मैसेज किया, दैट्स इट। लेकिन तब क्या करें जब हमें रिप्लाईज भी ना आए, हमने मैसेज कर दिया लेकिन हमें रिप्लाई भी नहीं आ रहा, उस सिचुएशन में फिर आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना चाहिए। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना चाहिए 7 दिन से लेकर 10 दिनों तक। अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब नहीं है तो 3 से 4 दिनों तक, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो 15 से 20 दिनों तक। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। अगर पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है और आपको पता है कि अब वो शायद किसी और से बातचीत करते हैं, उनके लाइफ में कोई और कम्फर्ट जोन आ गया है, तो फिर आप 1-2 महीने कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, फिर आप इस रिलेशनशिप में गिव अप करने के बारे में सोच सकते हो। अगर उनके लाइफ में कोई और आ गया है तो इस रिलेशनशिप को बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और रोग आकर परेशान होकर आपने इस रिलेशनशिप को बचा भी लिया तो कुछ ही वक्त में वो फिर से आपको चीट करेंगे, यकीन कीजिए। लेकिन आप अगर खुद में बदलाव लेकर आते हो, आपको लगता है कि नहीं, मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई है, मेरी गलतियों की वजह से वो मुझसे दूर गए हैं, तो खुद को गलतियों को ठीक करो। 20 से 25 दिनों का टाइम लो खुद की गलतियों को ठीक करने के लिए। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन जहाँ पर सॉफ्ट कॉन्टैक्ट भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे नो कॉन्टैक्ट ही ऑप्शन होता है। यानी कि जहाँ पर आप थोड़ा भी उनसे कुछ पूछ रहे हो, वो रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर सीधा आप नो कॉन्टैक्ट रूल भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप सॉफ्ट कॉन्टैक्ट के बारे में, नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में यस लिखकर ज़रूर बताना। मैं इस पर एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है तो नेक्स्ट वीडियो ही बना दूंगा, इसलिए आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, तो आप डायरेक्टली भी अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मुझसे कॉल पर डिस्कस कर सकते हो। आपको बस पेड कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।